रंजन रोज की तरह आज भी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ उपयोगी न्यूज। तो चलते हैं पहले हेडलाइन देखते क्या है। इंडियन रेलवे दिवाली पर करोड़ों यात्रियों की बल्ले बल्ले, ट्रेन में फ्री मिलेगा खाना पीना, नहीं देना होगा एक भी पैसा। तो सही में अच्छी खबर है, इस पर बात करेंगे। दूसरा है SI का जो ये सब इंस्पेक्टर के पदों पर आवेदन शुरू, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद है GST ऑन रेंट, किराए पर 18% GST देना होगा जो किराएदार है, इस पर भी बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और आखिर में है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में, मुझे दिखा तो मैं कहा लेके आता हूँ, ये काफ़ी उपयोगी है मच्छर भगाने वाला, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहला है इंडियन रेलवे में आपको फ्री खाना कैसे मिलेगा और ये दिवाली के त्यौहार में, तो देखते ही जानते हैं। जैसा कि हेडलाइन देख रहे हैं, दिवाली पर करोड़ों यात्रियों की बल्ले बल्ले, ट्रेन में फ्री खाना मिलेगा, देना होगा एक पैसा, तो इस पर बात करेंगे। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, अपने फैमिली तक शेयर करके। तो देखते हैं, इस बार दिवाली पर अगर आप भी घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब से आपको ट्रेन में फ्री खाने की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, अगर ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं तो खाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। आज हम आपको बताएंगे कौन सी ट्रेन में और किस स्थिति में आपको फ्री खाने की सुविधा मिलेगी, आइए जानते हैं। फ्री में मिलता है खाना, पानी और कोल्ड ड्रिंक्स। आपको बता दें कि अगर ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं तो IRCTC की तरफ से आपको फ्री खाने के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी के लिए भी कोई पैसा नहीं खर्च करना होता है। लेकिन ऐसा तभी ही होगा जब आपकी ट्रेन देर से चल रही हो, ये खाना IRCTC की ओर से एकदम फ्री दिया जाएगा। तो इंडिया में बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारे पास कि हमें लेट ट्रेन में चलते हैं, मतलब हमारा ट्रेन काफ़ी लेट चलता है, जो कि अभी सुधार हुआ है। फ्री में मिलता है खाना पीना और कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब अगर आपका लेट हो गया ट्रेन तो आपको मिलेगा, फ्री सुविधा को लेकर ले सकते हैं लोग। IRCTC की तरफ से आपको फ्री खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। तो ऐसे में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आप रेलवे की इस तरह की सुविधा का लुत्फ़ आसानी से ले सकते हैं, इसका आपका अधिकार है। इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन के लेट होने पर IRCTC की कैंटीन पॉलिसी के तहत यात्रियों को नाश्ता और हल्का भोजन दिया जाता है। तो अगर आपका ट्रेन लेट हो गया तो आप क्लेम कर सकते हैं जाके IRCTC का, हर स्टेशन पे होता है, या फिर इसका जैसे भी सुविधा आपके ट्रेन में हो उस तरह से लिया जा सकता है। कब मिलेगी ये सुविधा? IRCTC के नियम के मुताबिक यात्रियों को मुफ्त मील की सुविधा दी जाती है। बता दें कि सुविधा आपको तब दी जाती है जब ट्रेन 2 घंटे या फिर इससे ज़्यादा लेट हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपका ट्रेन टाइम से 2 घंटा लेट किसी स्टेशन पर पहुँचा है या आपका गंतव्य पर, तो आप ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो क्या क्या ले सकते हैं इसके साथ आपको बता दें, ट्रेन में नाश्ते में आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट भी मिलते हैं। शाम के नाश्ते को की बात करें तो चाय या कॉफ़ी और 4 ब्रेड स्लाइस, 1 बटर चिपलेट दिया जाता है। इसके अलावा दोपहर में यात्रियों को रोटी, दाल और सब्जी आदि फ्री में मिलती है। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आपका ट्रेन ज़रूरत से ज़्यादा लेट 2 घंटा, जो कि यहाँ काफ़ी आम होता है इंडिया में, हम लोग बहुत बार ये दिक्कत फेस किए होंगे, तो अगर आप ये जानते हैं और आप क्लेम करेंगे तो आपको फ्री में मिलेगा। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, आप लोग इसका लाभ कभी भी उठा सकते हैं, दिवाली पर ही है नहीं, ये कभी भी लाभ लिया जा सकता है। तो चलते हैं अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ है सब इंस्पेक्टर की भर्ती के ऊपर है, 92,300 रुपये महीने तक मिलेगी सैलरी, कहाँ का है देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी और लेखपाल के रूप में सब इंस्पेक्टर के पद पर आवेदन का ग्रेजुएट कैटेगरी के पास मौका। कैंडिडेट लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक मॉक परीक्षा, दस्तावेज वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट पास करके नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें कुल पद हैं 563, 4 नवंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, और पटवारी के 351 पद और लेखपाल के 172 पद भरे जाने। पटवारी के पद पर सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स 29,200 रुपये से लेकर 93,000 महीने तक का लेखपाल के पद के लिए सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट्स को 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये महीने तक सैलरी मिलेगी। तो ये लिंक है, आप इस पर चेक कीजिए जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते हैं
अगले न्यूज पे अगला न्यूज है जीएसटी ऑन रेंट। अब किराएदारों को देना होगा 18% जीएसटी, सरकार ने दी बड़ी जानकारी। इसके बारे में देखते हैं, जीएसटी को लेकर लगातार खबर चल रही है। सरकार जुलाई महीने में जीएसटी के नियम लागू भी कर दिए गए हैं। अगर आप भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में किराए पर हैं, रह रहे हैं, तो आपको किराए में 18% जीएसटी भी देना होगा। दरअसल ये खबर एक बार फिर वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा भी टेनेंट को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। यहाँ गलत प्रिंट है, रेंटर को। आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो सरकार ने दी है सफाई, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले एक ट्वीट में पीआईबी ने लिखा कि रजिस्ट्रेशन यूनिट का किराया तब टैक्स योग्य होता है जब किसी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपनी को कारोबार करने के लिए रेंट पर दिया जाता है। मतलब आप अगर नॉर्मल किराएदार हैं और 10,000 से नीचे आपकी रेंट है तो इसमें आपको नहीं। अगर आप कमर्शियल बिजनेस पर्पज से किराए पर कुछ भी रहते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये खबर गलत है और इसका जो सरकार ने सफाई दी है उसका यही मतलब है। तो इसके बाद अगले न्यूज पे चलते हैं। अगला न्यूज हम सब बहुत परेशान रहते हैं मच्छर से, उसके बारे में मुझे न्यूज़ मिला तो मैं लेके आया आप लोगों के लिए। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे जरूर खरीदें। बीमारी फैलाने वाले मच्छर का काल है ये, लैंप मिनट में करेगी पूरी तरह से पलटन का खात्मा, मतलब मच्छर मारने वाला है। ये आपको कहाँ मिलेगा? इसका नाम है इंस्टेंट किलर डिवाइस। अगर आप घर में मच्छर का आतंक बढ़ने लगा है तो बच्चों के समेत बुजुर्गों के लिए समस्या का कारण बन गया। तो आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेकर आए जो मच्छरों को पूरी तरह से सफाई कर देता है। इसकी कीमत भी काफ़ी कम है और यह पूरी तरीके से इको फ्रेंडली। चलिए जानते हैं कौन सा ये डिवाइस। जिस लैंप की हम बात कर रहे हैं वो उसका ये देखिए फुल डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर अब ब्लू लाइट निकलती रहती है और मच्छरों को उसकी तरफ आकर्षित करती है। इस लाइट को देखते ही मच्छर उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसके अंदर मच्छर चले आते हैं। तो आप फोटो देख रहे हैं, अमेज़ॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आज मुझे कहीं जाना था इसलिए मैं थोड़ा हड़बड़ हूँ और आप लोगों के लिए रोज इस तरीके का मैं वीडियो लेके आता हूँ। अगर मेरे वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह का कंटेंट लेके आता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में।